श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय पाला अध्याय। एक समय नौवीं सारणी तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सीत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार से मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो सके तथा मनवांछित फल मिल सके। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सुत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरे के हित की इच्छा से अनेकों लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यह अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देख करके सोचा, किस यत्न करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोच करके विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और चार भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को देख करके, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पदम थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्तिशाली है, संपन्न शक्तिशाली संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूति और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी ने इस प्रकार की स्तुति सुनकर के विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्यों जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकेंगे। श्री भगवान जी बोले कि हे नारद मुनियों, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ। सुनो, बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर के तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण के यह व्रत अच्छी तरह से विधिपूर्वक करके मनुष्य आयु प्रयत्न यहाँ सुख भोग करके मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर के नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर के पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवैया लें। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लें और सब भक्ष्य योग पदार्थ जमा करके भगवान के अर्पण कर दें। बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं, पश्चात स्वयं भोजन करें, नित्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह से व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होगी। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय भी है। पाला अध्याय समाप्त। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। सुत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देकर के बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हैं तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तो उनका पूजन कर जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतला करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर कर करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया मैं उसको करूँगा, यह निश्चय करके उसे रात भर नींद नहीं आई।
वह सवेरे उठ करके सत्यनारायण भगवान का व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधुओं के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूट करके अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूट करके मोक्ष प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह से नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है विप्र, मैं अब क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण ने सुनकर के किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब वह सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बहुत ही श्रद्धा है। सूत जी बोले हैं कि मुनियों, जिस चीज ने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक ब्राह्मण धनवान ईश्वर के अनुसार बंधु बांधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रख करके ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देख करके ब्राह्मण को नमस्कार करके कहा कि आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, मुझसे कहो, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं का पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन निधान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर के लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम से लकड़ी बेचने पर जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देवता का उत्तम व्रत करूँगा। यह मन में विचार करके वह बूढ़ा आदमी लकड़ियाँ अपने सिर पर रख करके जिस घर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगरी में गया। उस रोज वहाँ पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले आया और अति प्रसन्न होकर के पके केले की फल्ली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चून इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की पूर्व सामग्रियों को लेकर के अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुला करके विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग करके वैकुंठ को चला गया। दूसरा अध्याय समाप्त। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय तीसरा अध्याय। सुत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था, गरीबों को धन देकर के उसके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर वह दोनों ने ही सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय में वह एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा करके राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देख करके विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं, मेरी सुनने की बहुत बड़ी इच्छा है, सो आप यह मुझे बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का पूजा व्रत किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर के साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहिए, मैं भी आपके कथन के अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा ने सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाली उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित और संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर के सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह से कन्या बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया तथा लीलावती न मीठे शब्दों ने अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूँगा अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह को करूँगा। इस प्रकार से अपनी पत्नी के आश्वासन देकर वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में बड़ी होने लगी। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग वर देख करके लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज करके देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग बाणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग लड़के को देख करके साधु ने अपने बंधु बांधुओं सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया।
किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिए कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया और वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा करके भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देख करके चोर घबरा करके भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध करके ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर के बोले, यह दो चोर हम पकड़ करके लाए हैं, देकर के आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका सब धन छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा करके ले गया। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती के एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, अब तो कहाँ रही हुए, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा। कन्या के वचन सुनकर के लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हुए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन दे दो जिसने तुमने ग्रहण किया है, नहीं तो मैं तेरा धन को राजको पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया, फिर दोनों बाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर दिया, सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभाव, भावी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हारे कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर के राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगुना धन दे करके आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। तीसरा अध्याय समाप्त। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय चौथा अध्याय। सुत जी बोले, वैश्य ने मंगलचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी बेस्तारी श्री सत्यनारायण उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी बाणी का हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? क्या मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर के भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर के वहाँ से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर के समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊँची उठी दे करके अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते आदि दे करके मूर्छित हो जमीन पर, फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए हमें, तभी हमारी मनोकामनाएँ पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुँचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करिए। ऐसा कहकर के महान शोका आतुर होकर के रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त होता है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते हैं, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं समर्थ के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा कीजिए और पहले की समान नौका में धन भर दीजिए। उसके भक्तिजीत वचन सुनकर के भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर दे करके अंतर ध्यान हुए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत कर साथियों सहित अपने नगर को चला। अब अपने नगर के निकट पहुंचा तो दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर के उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर के साधु की स्त्री ने बड़े ही हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन के लिए जाता हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुनकर के कलावती प्रसाद छोड़कर के पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने कष्ट रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिए।
कलावती अपने पति को न देख करके रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह से नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख करके साधु दुखी हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो कुछ भी भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर के सत्यदेव जी प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या और प्रसाद को छोड़ करके आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर के प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर के कलावती ने घर पहुँच करके प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधुओं सहित श्री सत्य देवता का श्री सत्यनारायण भगवान की विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग करके अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। चौथा अध्याय समाप्त। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय पांचवा अध्याय। सुत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग करके बहुत दुख पाया था। एक समय वन में जाकर के वन पशुओं को मार करके बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधुओं सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान बस वहाँ नहीं गया और नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग करके अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान की कृपा से हुआ है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो श्री सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घकाल तक सुख होकर के मरने पर स्वर्गलोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन्य धान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर के निर्भय हो जाएंगे। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होगी तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर के अंत में वैकुंठ धाम को जाता है व्यक्ति। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर के मोक्ष को पाया था। उल्का मुख का राजा दशरथ होकर के वैकुंठ को प्राप्त हुआ था। साधु नाम के वैश्य ने मूर्ध्वज बनकर के अपने पुत्र को आर्य से चीर करके मोक्ष को प्राप्त किया था। महाराज तुगध्वज ने स्वयंभू होकर के भगवान में भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष प्राप्त किया था। पांचवा अध्याय समाप्त। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय आरती। श्री सत्यनारायण जी की जय। लक्ष्मी रमणा, जय श्री लक्ष्मी रमणा, सत्य नारायण स्वामी जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रतन जटित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रगट भये कलि कारण द्विज कुदर सदियो, बूढ़ा ब्राह्मण बन के कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बर भीर कराल जिन पर कृपा करी, चंद्र चुंद एक राजा तिनकी विपति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी, तो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरियो, शरदा धारण कीनी तिनको काज सरियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ग्वाल बाल संग राजा बन में भक्ति करी, मन वांछित पल दीनो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, चढ़त प्रसाद सवैया कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सत देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, श्री सत्य नारायण जी की आरती जो कोई गावे,
कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। तुम पूरण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। ओम जय जगदीश हरे, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। ओम जय जगदीश हरे, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। तुम हो एक गोचर, सबके प्राण पति। ओम जय जगदीश हरे, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। तीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। ओम जय जगदीश हरे, करुणा हस्त बढ़ायो, द्वार पड़ा तेरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। ओम जय जगदीश हरे, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। श्री सत्यनारायण भगवान की जय।